गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लासेस। बेटा सबसे पहले ओपन करेंगे हमारी कोर्स बुक वॉल्यूम 2। ऑल ऑफ यू ओपन योर कोर्स बुक। सभी बच्चे मेरे साथ अपनी अपनी कोर्स बुक ओपन करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है, सभी मेरे साथ बोलेंगे। सभी बच्चे मेरे साथ बोलेंगे सन मून एंड स्टार्स। आगे आने वाली क्लासेस में हमने क्या देखा, सन मून स्टार्स। सन मीन्स सूरज, मून मीन्स चांद एंड स्टार्स मीन्स तारे। ये तीनों चीज़ें हमें नेचर से मिलती है। और ये तीनों चीज़ें कहाँ पे रहती है, सभी को पता है ये तीनों चीज़ें स्काई में रहती है, आसमान में रहती है। ओके, तो हमने पेज नंबर 25 सन मून एंड स्टार स्टार्ट कर लिया था। इसके वर्ड मीनिंग भी कंप्लीट हो गए थे और हमारी लेस ट्राई 1 एंड 2 भी कंप्लीट हो गई थी। लेकिन लेस ट्राई 2 पेज नंबर 27 पे हमारा ये क्वेश्चन आंसर जो दिया हुआ है वो कंप्लीट नहीं हुआ था। ठीक है, आज हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। Why is the sun very important for us? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि सन जो है, सूरज है, वो हमारे लिए क्या, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या महत्व रखता है। तो इसका आंसर देखिए मैंने फिल कर रखा है और ये आपको भी अपनी अपनी कोर्स बुक में फिल करना है। द सन गिव्स अस लाइट एंड हीट। सन हमें क्या देता है बच्चों, सन हमें सबसे पहले रोशनी देता है और गर्मी देता है। इन विंटर इट कीप्स अस वार्म। जब सर्दियों का मौसम आता है सबसे पहले हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, सर्दियों में सबसे पहले हमें ज़रूरत होती है गर्मी की। और गर्मी हमें कहाँ से मिलती है बच्चों, हमें गर्मी मिलती है सन से। तो इसलिए हम लिखेंगे इन विंटर इट कीप्स अस वार्म। सर्दियों के समय, सर्दी के मौसम में जो सन है वो हमें क्या रखता है, गर्म रखता है। तो ये आंसर जो आप अपनी अपनी कोर्स बुक में फिल करेंगे पेज नंबर 27 में। ओके, डू यू अंडरस्टूड मी? आप सब समझ गए होंगे। अब हम मेरे साथ आप सभी टर्न करेंगे पेज नंबर 28। ऑल ऑफ यू टर्न पेज नंबर 28। द मून, कौन सा टॉपिक है हमारा, द मून। आफ्टर द सनसेट द मून कम्स अप इन द स्काई। जब सन छुप जाता है बच्चों, जब सन छुप जाता है तो क्या होता है, स्काई में क्या आ जाता है, शाम के समय मून आ जाता है। हम क्या देखते हैं, चांद आ गया है। वी कैन सी द मून एट नाइट। और ये जो शाम के समय चांद दिखाई देता है वो रात तक रहता है। वॉट इज़ द कलर ऑफ द मून, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है वॉट इज़ द कलर ऑफ द मून, चांद का क्या कलर होता है। अब हम आगे देखेंगे। द शेप ऑफ द मून चेंजेस एवरी नाइट। जो मून का शेप है, चांद का शेप आप देखते होंगे कि कभी तो कैसा रहता है, कभी आधा रहता है, कभी 1/4 रहता है और कभी फुल गोलाई पे रहता है। एवरी शेप ऑफ द मून हैज़ ए डिफरेंट नेम। जो मतलब अलग अलग शेप होते हैं मून के, उनके सबके अलग अलग नाम होते हैं। व्हेन द मून इज़ राउंड इन शेप इज़ कॉल्ड ए फुल मून। जब जो चांद है अपने पूरे शेप में रहता है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों, जब चांद अपनी पूरी गोलाई पे रहता है उस समय चांद को किस नाम से बुलाया जाता है, उसे बुलाया जाता है फुल मून, मतलब पूरा चांद। वंस इन एवरी 15 days द मून ऑल्सो लुक्स लाइक ए सेमी सर्कल, इट इज देन कॉल्ड ए हाफ मून। बच्चों जब क्या होता है कि हर 15 दिन से, जैसे मंथ में, एक मंथ में कितने डेज होते हैं, 30 days, 30 days में से जो 15 days के बाद, हर 15 दिन के बाद मून अपने कौन से शेप में आ जाता है, सेमी सर्कल, इट इज कॉल्ड ए हाफ मून। क्या कहा जाता है इसको, हाफ मून। जब चांद पूरा रहता है, गोलाई पे रहता है, तो उसे बोला जाता है फुल मून। एंड जब चांद अपने 15 दिनों के बाद जब अपना शेप चेंज करता रहता है, वह सेमी सर्कल शेप में आ जाता है, तब उसे बोला जाता है हाफ मून। ओके, देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ भी है हाफ मून का और फुल मून का पिक्चर दिखाई दे रहा होगा। और हम इसको पिक्चर में भी देखने की बात नहीं है, ये हम स्काई में देखते रहते हैं। ओके, द मून डज नॉट हैव लाइट इट्स ओन। मून को, मून के अंदर जो रोशनी होती है वो अपने आप से नहीं होती। तो बच्चों फिर रोशनी आती कहाँ से है, इट शाइन्स ब्राइट बिकॉज द लाइट ऑफ द सन फॉल्स ऑन इट। चांद जो हमें उजाला देता है, चांद की जो रोशनी होती है वो किसकी वजह से होती है बच्चों, वो सन की वजह से होती है। सन जो अपनी रोशनी है, अपनी लाइट है, वो चांद को देता रहता है। उससे जब हम चांद की तरफ देखते हैं, रात में स्काई की तरफ देखते हैं, जब चांद दिखता है तो चांद की रोशनी सूरज की वजह से ही होती है। ओके, तो ये पेज नंबर 28 हमारा कंप्लीट हुआ। चलिए पेज नंबर 29 पे, लेट्स ट्राई 3, फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, ए वी सी द डैश
इसमें दो ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं, सन और मून इन द स्काई ड्यूरिंग द डे। हमें दिन के अंदर फर्स्ट वाला ऑप्शन, फर्स्ट वाला सेंटेंस हमारा क्या है कि दिन के समय हम आकाश में, हम स्काई में क्या देखते हैं, सन देखते हैं बच्चों या मून देखते हैं, तो कौन सा ऑप्शन राइट है? यस, वेरी गुड। द ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन इज सन। दिन के समय सूरज रहता है और रात के समय मून रहता है। तो क्या लिखेंगे हम फर्स्ट वाले ब्लैंक में? एस यू एन, सन। बी, द सन गिव्स डैश टू द मून। सन मून को क्या देता है, लाइट देता है या वाटर देता है? तो क्या देता है बच्चों? लाइट। ओके, अभी हमने आगे पढ़ा था पहले कि सन, चांद जो हमें रोशनी देता है, वो रोशनी उसे कहाँ से मिलती है? सन से। ओके, तो सेकंड वाले में हम क्या फिल करेंगे? एल आई जी एस टी, लाइट। यस, अब सी देखिए, द मून चेंजेस इट्स डैश एवरी नाइट। हर रात मून अपना क्या चेंज करता है? तो इसमें दो ऑप्शन है हमारे पास, फर्स्ट ऑप्शन तो है शेप और सेकंड ऑप्शन है कलर। तो बच्चों क्या चेंज करता है मून? मून अपना बच्चों रोज शेप चेंज करता है। सॉरी, फोर्थ ऑप्शन, वी गेट डैश फ्रॉम द सन। सन से हमें क्या मिलती है? लाइट। लाइट मतलब रोशनी और वाटर मींस पानी। तो सन से बच्चों हमको क्या मिलती है? आप सभी को पता होगा और हम सभी को पता है कि सन से हमें मिलती है लाइट यानी रोशनी। ओके, अब ये जो स्टार्स का है बच्चों, हम ये आगे वाली क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो आपको आज ये लेट्स ट्राई 3 कंप्लीट करके रखना है। ओके, बाय।